है। और आइए अब आपको अजमेर दक्षिण सीट का हाल बताते हैं। और आइए अब आपको अजमेर दक्षिण सीट का हाल बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ अजमेर की दूसरी सबसे प्रमुख सीट मानी जाती है दक्षिण विधानसभा। इस सीट पर भी बीजेपी की अनिता भदेल लगातार 3 बार से हैट्रिक बना चुकी हैं, लेकिन इस बार समीकरण अनिता भदेल के भी विपरीत नजर आ रहे हैं। क्षेत्र में अनिता भदेल का विरोध और बीजेपी कार्यकर्ताओं में एमएलए टिकट को लेकर जिस तरह से उत्साह नजर आ रहा है, उसके कारण इस बार अनिता भदेल की दक्षिण विधानसभा की सीट भी खतरे में पड़ते हुए नजर आने लगी है। अजमेर दक्षिण क्योंकि रिजर्व सीट है, ऐसे में वर्तमान जिला प्रमुख वंदना नोगिया, बीजेपी नेता प्रियशील हाडा, पूर्व विधायक रह चुके बाबूलाल सिंगारिया समेत कई नाम ऐसे हैं जिन्होंने अनिता भदेल के साथ साथ आला कमान के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियों के जो दिशा निर्देश आला कमान से मिलते जा रहे हैं, जिस तरह से संकेत सामने आए हैं, उसके अनुसार सिर्फ यही देखा जा रहा है कि ना सिर्फ भाजपा के अंदर विधायकों और मंत्रियों के इस बार टिकट कटेंगे, बल्कि जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं जो पहले चुनाव हार चुके हैं उनके टिकट भी इस बार कटने जा रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं उनमें बगावत के सुर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस में अजमेर उत्तर के अंदर जहाँ भाटी बंधुओं का आपसी विवाद कांग्रेस को नैया को डुबोने को तैयार होगा, तो वहीं अजमेर उत्तर और दक्षिण के अंदर जिस तरह से भाजपा के दोनों आला नेता अनिता भदेल और वासुदेव देवनानी के बीच की कलह वैस जग जाहिर है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं भाजपा को इस चुनाव में उठाना पड़ सकता है। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में सबसे प्रबल दावेदार के रूप में पूर्व विधायक और मंत्री रह चुके ललित भाटी का नाम प्रमुखता से राजनीतिक पंडित और विशेषज्ञों की नजर में है। राजकुमार जयपाल भी इस सीट पर अपने जोर आजमाइश करने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। हालांकि 2013 में सचिन पायलट के सबसे करीबी माने जाने वाले हेमंत भाटी कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में सामने आए थे, लेकिन 2013 के चुनावों में कांग्रेस के उम्मीदवार हेमंत भाटी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। 2013 में जिस तरह से अजमेर के अंदर राजस्थान के अंदर चुनाव हुए थे, उस चुनाव के बाद मोदी लहर चली थी और मोदी लहर के बाद भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में काबिज हुई थी, उसके चलते 2018 में सीधे तौर पर इसका असर देखने को मिल रहा है और भाजपा में कई बड़े उम्मीदवार दावेदार के रूप के अंदर सामने आ रहे हैं। ऐसे के अंदर कांग्रेस ने अभी वर्तमान के अंदर जिस तरह से लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव के अंदर भारी बहुमत के साथ अजमेर के सांसद को विजयी बनाया था, तो यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी के दोनों ही दावेदार पार्टी के अब इस बात को आश्वस्त करने में लगे हैं कि एक तरफ मोदी कार्ड चल सकता है तो दूसरी तरफ जो लोकसभा उपचुनाव के अंदर कांग्रेस की जीत हुई है उसके चलते दावेदार निश्चिंत हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यह खामियाजा भाजपा और कांग्रेस को उठाना पड़ सकता। वहीं पूर्व राजघरानों की महारानी और राजकुमारियां भी चुनाव मैदान में नजर आ रही हैं। नामों में सबसे पहला नाम सिंधिया राजघराने की बेटी और धौलपुर राजघराने की बहू वसुंधरा राजे का आता है। इसके अलावा इस बार के विधानसभा चुनाव में 2008 के विधानसभा चुनाव में राजनीति में एंट्री लेने वाली जयपुर रियासत की राजकुमारी दिया कुमारी, इसी के साथ ही बीकानेर के पूर्व राजघराने की सिद्धि कुमारी का नाम तो पहले से ही शामिल है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में जैसलमेर राजघराने की बहू रसेश्वरी राजलक्ष्मी के चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। राजस्थान के पूर्व राजघरानों के कई सदस्य इस बार भी लोकतंत्र के समर में लड़ने के लिए कमर कस रहे हैं। वैसे राजस्थान में राजघराने की बहुओं की राजनीति में आने की परिपाटी जयपुर राजघराने की गायत्री देवी से शुरू हुई थी, जिन्होंने साल 1962 में स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर संसद में प्रवेश किया था। साल 1971 के चुनाव के दौरान भी उन्होंने जयपुर से चुनाव जीता था। वहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजनीति में अपनी लंबी पारी खेली है। वसुंधरा राजे की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, इसके अलावा 5 बार लोकसभा सांसद के साथ केंद्र सरकार में मंत्री पद को भी वसुंधरा राजे ने संभाला है। इनके अलावा राजस्थान और हिमाचल में सक्रिय रही चंद्रेश कुमारी का नाम भी इसमें शामिल है। जोधपुर राजघराने की चंद्रेश साल 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान जोधपुर से सांसद चुनी गई थी।
देखिए ये राहुल गांधी और कांग्रेस का जिस तरह का ड्रामा किया जाता है और बिना तथ्यों के आधार पर जिस तरह से करते हैं, अभी चूंकि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आते ही भी देश को ये पूरा का पूरा आह्वान किया था, न हम खाएंगे न खाने देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, उसके लिए चाहे SIT का हो, चाहे बेनामी संपत्ति का हो, चाहे डिनोमिनेटाइजेशन हो, चाहे जिस तरह की भी हो, उसी को मद्देनजर, और कोई अगर किसी तरह का संदेह होगा तो उस पर एक्शन लेंगे। ये भी इसी तरह से आज CBI के डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर के अगेंस्ट में जो कार्रवाई की गई है वो भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस की जो हम बात करते हैं उसको महसूस करते हुए ये एक्शन लिया गया है, और CVC के तहत उनमें जो रिकमेंडेशन आई है उसके आधार पर किया। अब मतलब कार्रवाई का मतलब छुट्टी पर भेजा गया है सिर्फ कि जिससे कि जांच जो भी हो निष्पक्ष हो जाए, और इस तरह से हो, उसमें जांच हो रही है निष्पक्षता से होगी, इसमें हमारे मोदी जी का या सरकार का कहीं इंटेंशन नहीं है। लेकिन आज जब कांग्रेस में भ्रष्टाचारी या किसी भी तरह के अपराध के व्यक्तियों के अगेंस्ट में किसी तरह का भी मान लो संदेह होता है, हम कोई कार्रवाई करते हैं तो इनके पास में रोड शो करते हैं, किसानों के लिए हमने सब कुछ किया, झूठ बोलना इनका काम हो गया, झूठ के आधार पर ये सत्ता में आना चाहते हैं। वहीं जयपुर राजघराने की दिया कुमारी ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान सवाई माधोपुर से BJP के टिकट पर चुनाव जीता था। इस बार भी वो इसी विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बीकानेर विधानसभा से BJP के टिकट पर चुनाव जीतने वाली सिद्धि कुमारी ने भी अपने